जी हाँ, हुण दो नौजवान किसानों ने झोने की पराली तो तूड़ी बनाने की शुरुआत की है। वो पिछले 4-5 साल तो झोने की पराली की तूड़ी बना के गौशाला ते होरना लोगों को देंदे ने, जिस नाल जिथे उन्होंने आमदन का साधन बनया उत्थे ही पराली की समस्या तो निजात भी पाई जा रही है। सब तो पहला तो असं इनू पहला झोना वढ़ वढ़न तो बाद पुठे वढ़ी दे, उस तो बाद 3-4 दिन सुकन देता, उस तो बाद फिर रीपर मार के उन्होंने फिर दोबारा जो मशीन तूड़ी बनाने जिमें तूड़ी बना के उन्होंने फिर असी आप पशुओं बरतन योग हो जाती, सुकी तूड़ी बनती है, गिली तूड़ी नहीं बनती, तो बहुत वधिया क्वालिटी की होंगी है जी, तो पशु बड़ी बड़े वधिया खाते जी। फाजिलका जिले की अबोर तहसील की ढाणी कमाइया के हरजिंदर सिंह ते निरवैल सिंह ने इस तकनीक नूं अपना के इलाके के किसानों सुखाला करन दा राह चुनिया। इस विच कोई शक नहीं कि इस तकनीक नाल झोने की पराली तो तूड़ी बनाउणी काफ़ी खर्चीला है, पर फिर भी दोवें नौजवान किसान इस नूं अगे लिजाण विच लगे हुए ने। ये मशीन वाली जिमें अपने बिल्कुल केएस मशीन है, जिमें चन्नी मशीन हैगी है, असं आप थोड़े बहुत कणक की तूड़ी जिमें बनाने वो थोड़े बहुत चेंजस करके इनू आप तैयार किया, हौली हौली जिमें मान लो भी वो मुकाबले जिमें जिन्हें लेट चलती मशीन, पर जिमें सानू खर्चा भी ज़्यादा आ जाता, ये डीजल भी ज़्यादा मचता तो इतनी महंगी भी नहीं बिकती, चलो फिर भी सानू यह है भी चलो असी किसी तरीके अपनी पैली साफ कर लीए, वाहन साफ कर लीए। 6 साल हो गए जी झोने की पराली तो जी तूड़ी बनाने, 2017 असी पहले साल तूड़ी का काम शुरू किया, उस तो बाद सू 6 साल लगातार हो गए अभी हरेक साल तूड़ी बना के गौशाला भेजते हैं, या जिते जिन्होंने लोड़ होंगी है तूड़ी की, जिते जिमें लोड़ के मुताबिक उसे तूड़ी भेज दी गई है। ये एक तो कोई आमदन का साडा साधन बनया हो, तूड़ी जिते जाती उन्होंने भी तूड़ी सस्ती मिल जाती है, साडा खेत खाली हो जाता, अग नहीं लानी पैंती, सारिया नाल रल मिल के सारे का काम चल जाता है, सानू भी 2 रुपये बन जाते हैं, काम चल जाता साडा, उन्हां इलाके दे किसानां ते गौशालावां दे प्रबंधकां नूं अपील कीती है कि जेकर वो इस तूड़ी नूं लैणा चाहुंदे ने तां उन्हां नाल संपर्क कर सकदे ने। 9888660505 सानूं फोन कर ले, जे तां लोकल है 10-15 किलोमीटर तक एरिए दे विच वी है, असीं ट्रालियां नाल ही पहुँच कर दिंदे, साडे कोल ट्रालियां वड्डियां, इहदे 15-16 क्विंटल तूड़ी पै जांदी है। जे किसे ने पंजाब तों बाहर भी चाहीदी है तूड़ी, राजस्थान चाहिए है, गुजरात चाहिए है, कि भी चाहिए है, साढ़े ना कंटैक्ट कर लें, साढ़े को ट्राले है, स्टॉक की हुई थोड़ी साढ़े को ट्रालिया के भर के असं उसे पहुँच कर देंगे, रेट जोड़ा इतने ही असं बस उन्होंने एक्सट्रा जो चार्जिज लवेंगे, जो पहुँचता है रस्ते का खर्चा आऊगा, लेबर का खर्चा आऊगा, उन्होंने देना पैना, जो रेट असं इतने दें उ रेट असी देनी है थोड़ी उन्होंने, जो इन्हों को आपका कोई साधन है लैके जानी है किसी ने थोड़ी तो साढ़े तो लैके जा सकता, स्टॉक की हुई है, असं आपके खेत के लाई हुई है थोड़ी साढ़े को, जिनी मर्जी लैके जा सकता किसी चाहिए है। उधर खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी की कहते हैं, आओ वो सुनते हैं। किसान वीरों को बेनती है कि जिस तरह ये किसान नवे नवे पराले करके पराली मैनेज कर रहे हैं, इस तरह ही आप सारे किसान भीर पराली अग ना लाइए, तो इस कोशिश करिए कि पराली धरती दबा दीए, क्योंकि धरती दबाने इस जो खुराकी तत्व है उन्होंने अपन वाधा होंगे, अगर जोड़े किसान भीर ये नहीं कर सकते तो वह किसान भीर अग ना ला के जिस तरह साढ़े इतने फैक्ट्री है एक गद्दा डोब से उत्थों दे सकते हैं, यदि गठा बना सकते हैं, या जो पशुओं वास्ते इनू आप दे सकते हैं, तो किसान भीर साड़ी महकमे वाले पुरजोर बेनती है कि किसान भीर अग ना ला के इनू एक्स साइटू या इन साइटू नाल इनू मैनेज कर।